चतरा जिले में परिवहन विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें बिना परमिट वाले वाहनों की जांच की गई। DTO बहादुर वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भारी वाहनों के लिए एवं अन्य वाहनों के लिए भी राज्य सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसी के आलोक में नियमों का अनुपालन को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभी तक 20 से 30 गाड़ियों का चेकिंग किया गया है, जिसमें कई वाहनों का कागज दुरुस्त नहीं पाया गया, जिन्हें परिवहन विभाग के नियम अनुसार चालान काटा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय भारी वाहनों एवं वाहनों के परिचालन के लिए ई पास के साथ साथ कई अन्य शर्तें लागू की हैं। चेकिंग के दौरान कई वाहनों के यह कागजात सही नहीं पाए गए हैं, जिन्हें ऑन स्पॉट चालान काटा गया और फाइन के साथ वाहनों को छोड़ा गया। जिन वाहनों के कागजात सही नहीं पाए गए, उन्हें उधर थाना भेज दिया गया है। जो सरकार का नॉर्म्स है COVID-19 के तहत में, उस नॉर्म्स के तहत गाड़ियों का चेकिंग हो रहा है। ओवरलोडिंग, फिटनेस, विदाउट परमिट्स वाले गाड़ियां जो अदर स्टेट्स के जो घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। लगभग यहाँ पे हम चेकिंग, तो हमको लग रहा है कि हम नियर अबाउट 25-30 गाड़ियाँ चेक कर लिए हैं। उसमें से 8-10 गाड़ियाँ जो कि हम अभी उसको रखे हुए हैं, होल्ड करके, रोक करके रखे हुए हैं, उनका पेपर वगैरह लिए हैं, उनके पेपर को चेक करके फिर उनका चालान को काटा जाएगा। अभी तक एक गाड़ी का, बस का, विदाउट परमिट्स का घूम रहा था, उसका फाइन काटा।